सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, आप देख सकते हो दोस्तों, आपको इसी तरीके से लिखना है। तो यहां पर देख सकते हो दोस्तों, ये रहा, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से अगर लिखते हो तो एक भी नंबर तुम्हारे नहीं कटेंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ नारी शक्ति पर निबंध, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। अगर आप लोग क्लास 10th में हो, 2023 और 16 फरवरी को पेपर देने वाले हो, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना दोस्तों, और आपको एग्जामिनर खुश होकर पूरा नंबर देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा भाई साहब। इसी तरीके से आपको निबंध लिखना है, साथ में आपको बताऊंगा कि निबंध किस तरीके से लिखना है, ठीक है। यहां पर सबसे पहले आपको देख सकते हैं नारी शक्ति पर निबंध, उसके बाद है रूपरेखा आपको लिखनी है। अब रूपरेखा लिखनी है दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूंगा 9 टॉपिक अब की बार लिखना है, 9 × 1 आने वाला, यानी इसका मतलब है एक एक नंबर की 9 हेडिंग बनाकर किसी भी प्रकार से लिखना है। अब आप बोलोगे भैया यहां पर तो 5 है, तो 5 नहीं है, मैंने आपको 9 बता दूंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तो सबसे पहले आपको लिखना है प्रस्तावना, प्रस्तावना सबसे शुरू में लिखा जाता है, उसके बाद घर संभालना और देखभाल करना, नारी उसका स्वभाव, नारी शक्ति उपसंहार, आप लिख सकते हो नारियों के प्रति सामाजिक कारण, नारी शिक्षा पर आर्थिक कारण, तो आप ये बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। मैं आपको 9 टॉपिक बताऊंगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको रटना नहीं पड़ेगा, आज के बाद बिल्कुल ये निबंध आपके मुट्ठी में होगा, तैयार हो जाएगा। तो चलो देखते हैं, यहां पर सबसे पहले दोस्तों देख सकते हो ये है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में आपको लिखना है, नारी में सहनशीलता, प्रेम, धैर्य और ममता जैसे गुण मौजूद हैं, किसी भी समाज की कल्पना नारी के बिना नहीं की जा सकती। जब कोई नारी कोई भी चीज करने की ठान लेती है तो वह कर डालती है, नारी की हिम्मत और सहनशीलता पुरुषों से अधिक है, ठीक है। तो ये यहां पर इस तरीके से लिख देना है। आप देखोगे बहुत जगहों पर कि भाई जो स्त्रियां होती हैं वो पुरुषों के मुकाबले काफी धैर्यवान हो जाती हैं, मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे जो भी महिलाएं होती हैं वो धैर्य परिवार संभालना, आप देखोगे सुबह उठती हैं वही काम करती हैं, शाम तक करती रहती हैं, फिर दूसरे दिन वही काम, लेकिन वो सालों साल वही काम करती हैं, बोर नहीं होती हैं, पुरुष हो तो भाई बोर हो जाएं, तो यही यहां पर बोला गया है, है ना। उसके बाद दोस्तों आगे है कि घर संभालना और देखभाल करना, जो भी आप देखोगे स्त्रियां वो घर संभालती हैं, देखभाल करती हैं ना, बच्चों का ख्याल रखती हैं, तो यहां पर नारी के गर्भ से जीवन का आरंभ होता है, बिल्कुल सही बात है। नारी अपने जीवन में कई भूमिकाएं निभाती है, वह एक भी दिन बिना थके घंटों काम करती है, वह अपने परिवार के सदस्यों की देख रेख करती है, परिवार के लोगों की अच्छी सलाह देती है, सॉरी परिवार के लोगों को अच्छी सलाह देती है। अब यहां पर दोस्तों आपको मैं एक चीज बता दूं, जो स्त्रियां होती हैं वो घर तो संभालती हैं, देखभाल करती हैं, लेकिन इनका शिक्षित होना भी तो आवश्यक है, क्योंकि भाई जो स्त्रियां होंगी, बच्चे होंगे, तो बच्चों का शिक्षित होना भी आवश्यक है। तो सबसे पहले यहां पर आप ये भी लिख सकते हो कि भाई यहां पर नारी शिक्षा, तो नारी शिक्षा पर नीचे लिख सकते हो, नारी शक्ति में आता है नारी शिक्षा भी, ठीक है। और फिर नारी शिक्षा के सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, नारी शिक्षा पर क्या है, नारियों का शिक्षित ना हो पाना क्या क्या कारण है, आप लिख सकते हो, बहुत सारे टॉपिक आप लिख सकते हो। मैं आपको सोचना सिखा रहा हूं, मैं आपको रटना नहीं सिखाता, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूं आप तैयार कर लो, कभी ये नहीं बोलता कि रट लो, अपने अनुसार आपको निबंध लिखना है, कैसे अभी आगे बताऊंगा। तो उसके बाद दोस्तों आपको लिखना है नारी और उसका स्वभाव, देख सकते हो यहां पर तीसरा टॉपिक है, नारी बहुत ही साधारण और मीठे स्वभाव की होती है। आप देखोगे भाई थोड़ा सा बड़प्पन कर दो, चाहे वो बिल्कुल कुछ भी हो, है ना, आप तो बड़ी अच्छी लगती हैं जी, वो बिल्कुल फूल फूल के एकदम मस्त गुपडौरा हो जाएगी, इतनी बड़ी मोटी रोटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है नारियों में, तो यही यहां पर है कि भाई नारी बहुत ही साधारण और मीठे स्वभाव की होती है, उसको बस थोड़ा सा उसका क्या है, बड़प्पन कर दो, उसका थोड़ा सा है ना तारीफ कर दो, बस तारीफ की भूखी होती है। जितनी सहनशीलता नारी में है उतनी सहनशीलता पुरुषों में नहीं है, वह हर हालात को सोचकर निर्णय लेती है। पहले के जमाने में लड़कियों को सिर्फ बोझ समझा जाता था, घर वाले सोचते थे कि लड़कियों को पढ़ा लिखा कर क्या करेंगे, उनको तो सिर्फ घर ही संभालना है। आप देखोगे पहले के जमाने में जो भी अभी अब की जो जनरेशन है ना, यहां पर काफी सुधार हुआ है आप देखोगे, लेकिन जो पुराने वाले लोग हैं आप देखोगे 40-50 साल वाले, वो अभी भी यही सोचते हैं कि भाई लड़की है, कभी शादी नहीं की है, इतने बड़ी हो गई, तो ये सारी चीजें होती है। मतलब क्या है, कोई भी स्त्री है, कोई भी लड़की देखेंगे तुरंत भाई शादी 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 बर रहेंगे, शादी मतलब कर दो, सपना देखेंगे बस, है ना। उनको ये कभी नहीं कहेंगे कि शिक्षित करो, कितना पढ़ी है, कहां तक पढ़ी है, क्या करेगी, है ना, क्या काम सीखी है, कभी नहीं पूछते, बस शादी शादी शादी। तो ये सारी चीजें हैं, यही कुप्रथा है हमारे देश में अभी भी है, ठीक है। गांव में आप जाओगे तो ये आपको मिल जाएगा, रूरल एरिया में, शहरों में तो काफी हद तक जो भी है समानता हुई है, काफी हद तक ये प्रॉब्लम दूर हुई है ना, काफी हद तक हर चीज सुधार हुआ है। तो उसके बाद दोस्तों आपको लिखना है, आगे देख सकते हो यहां पर नारी शक्ति, ठीक है। तो नारी शक्ति क्या है, नारी एकदम शक्तियों का रूप है, ठीक है। जब जब महिलाओं पर
अत्याचार बढ़ जाता है तो वह काली माँ जैसा रूप धारण कर लेती हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, और अपराधियों का सर्वनाश कर देती हैं, यानी जो भी अपराधी उनका नाश कर देती हैं। जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते और उन्हें कमजोर समझते हैं वह नारी के प्रभावशाली शक्ति से परिचित नहीं है। आप देखोगे बहुत सारी नारियाँ ऐसी हुई हैं जो कि आर्मी में भी बहुत अच्छा काम करती हैं। कल्पना चावला कितनी मस्त है ना थी भाई, मून में कितनी हिम्मती थी, तो भाई डॉक्टर भी बन रही हैं, इंजीनियर भी बन रही हैं और देश के GDP में हर जगह योगदान भी समय नारियाँ कर रही हैं। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, ठीक है। सोचना प्रारंभ करो मेरे भाई, ठीक है। आप ये रटो मत, अब मैं अभी आपको बताऊं, उसके बाद देश तो यहाँ पर है उपसंहार, लेकिन आपको उपसंहार लास्ट में लिखना है। देखो मैं आपको बताना चाहूँगा ये क्या है कि आशीष लिख दिए थे, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि इसको मैं बोला उनको कि भाई पूरा लिख देना तो लिखे, लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि इतना ही लिखे। मैंने बोला क्या यार इतने में 9 नंबर मिल जाएगा, तो फिर इसको बढ़ाकर मैंने लिखवाया, ठीक है। तो 9 नंबर के लिए कम से कम आपको 3 पेज लिखना है, तो आपको आइडिया भी लग गया होगा कि भाई कितने पेज लिखना है। 9 नंबर पाओगे तो कम से कम 3 से 4 पेज में आपको निबंध लिखना है किसी भी हर हाल में, ठीक है। और हेडिंग वाइज हेडिंग लिखोगे तो निबंध बहुत ही मस्त अट्रैक्टिव दिखता है, उससे एग्जामिनर खुश होगा और नंबर मस्त एकदम देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों यहां पर उपसंहार लास्ट में बताऊंगा। तो यहां पर छठवां दोस्तों, संघर्ष करने की शक्ति। तो नारी में संघर्ष करने की अपार शक्ति होती है, वह हर परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेती है। जब भी घर में मुश्किल हालात पैदा होते हैं तो महिलाएं सभी सदस्यों को संभाल लेती हैं। आप देखोगे जो भी घर में मुश्किल हालात आते हैं, पैसों की कमी आती है, ठीक है, इन सारी चीजों में क्या होता है कि जो भी स्त्रियां होती हैं वो देखोगे काफी हद तक काफी धैर्यवान साबित होती हैं, काफी हद तक सुधार लेती हैं। लेकिन जो अच्छी हुई शिक्षित हुई वही ना, बहुत सारी ऐसी भी होती हैं भाई, देखो हर आदमी हर एक जैसा तो होता नहीं है ना, बहुत सारी घर को भी बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसी बात नहीं है भाई, स्त्री को ही घर समझा जाता है, अगर स्त्री सही हुई तो मतलब घर सही है, वरना फिर समझते ही हो फिर अकाल ही आ जाता है, ठीक है। तो नारी इतनी शक्तिशाली होती है, पूरे घर को बर्बाद कर सकती है, तहस नहस कर सकती है। और हाँ उनका उनसे कुछ भी करवाना ना, थोड़ा सा तारीफ जरूरी है, बस थोड़ा सा तारीफ मार दो, तारीफ के पुल बांध दो, बस उनसे जो काम करवा लो फिर, ठीक है, ये ध्यान रखना बात कभी भी। आगे आगे है दोस्तों, ये आगे आपका संघर्ष करने की शक्ति। उसके बाद है आत्मविश्वास के साथ जिंदगी जीना। तो जो नारी शिक्षित हो गई अगर, ठीक है, और नारी आज के ज़माने में शिक्षित हो गई और आज देश में महिलाओं के प्रगति के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, नारी आत्मविश्वास के साथ सभी मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ रही है। अब मुझसे थोड़ा बहुत पढ़ने में इधर उधर हो जाती, ये मत समझना भैया गलत पढ़ रहे हो, भैया सेंटेंस मैं सही बना रहा हूँ, मैं आपको रटना कभी नहीं सिखाता। आप निबंध लिखना तो देखो क्या करो ना, आप क्रोम ब्राउजर में जाओ, आप गूगल कर लो, वहां पर आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट मिलेगी, उनमें से पढ़ो, YouTube में वीडियो मत देखो, उनमें से कम बहुत सारे निबंध पढ़ो, सारे करीब 3-4 वेबसाइट के, उसमें से अपने से निचोड़ निकाल के 2-3 पेज में छाप देना यार, यही निबंध तरीका है तैयार करने का। आगे बढ़े, आगे दोस्तों आप देख सकते हो लिखना है आज की नारी, ठीक है। तो आज की नारी क्या है भाई, आज की नारी मजबूत और उनके आंखों में कई सपने हैं। जो भी आज की स्त्रियां आप देखोगे उनके आंखों में सपने, मुझे ये बनना वो बनना, SSC की तैयारी करना है हर चीज, मुझे आर्मी में जाना है, मुझे वैज्ञानिक बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। आप देखोगे नीट का एग्जाम भी क्रैश फोड़ रही हैं नारियां स्त्रियां, ठीक है, जो भी लड़कियां हैं वही तो स्त्री महिला है ना। आज की नारी शिक्षित है और वह पहले के कुप्रथाओं से बाहर निकलकर आ चुकी हैं। आज की नारी डॉक्टर इंजीनियर और शिक्षक भी हैं, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों नारी के शिक्षा का प्रभाव है ना पारिवारिक, तो उसमें भी आप लिख सकते हो कि भाई नारी शिक्षित रहेगी तो बच्चे शिक्षित रहेंगे, और बच्चे शिक्षित होंगे तो हमारा समाज शिक्षित होगा, समाज शिक्षित होगा तो देश में काफी ज्यादा शिक्षा बढ़ेगी, शिक्षा बढ़ने से देश का विकास होगा। ये सारी चीजें देखो एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक चक्र बना होता है जिसमें घूम रही होती है, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद दोस्तों प्रेरणादायक स्रोत मैंने आपको बता दिया कि भाई इंदिरा गांधी जैसे हो गई, कल्पना चावला जी, सरोजिनी नायडू जी जैसी महान शख्सियत ने अपने आप को अपने क्षेत्र में न केवल साबित किया बल्कि लोगों के लिए प्रेरणादायक स्रोत बन गई। तो यहाँ पर दोस्तों ये लिख सकते हो, बहुत ही अच्छी चीज है, और आपको भी आपके दिमाग में जो हो उनको भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं इतना ही, ठीक है, हाँ इनको लिख देना, अच्छी चीज है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर महिला सशक्तिकरण पर मैंने लिख दिया है, महिलाओं का पारिवारिक बंधनों से मुक्त होकर अपने और अपने गृहस्थ जीवन से ऊपर उठकर मुक्त होकर और अपने देश के बारे में सोचने की क्षमता का विकास होना नारी सशक्तिकरण कहलाता है। एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पर दोस्तों, ये बिल्कुल अलग टॉपिक मैंने लिखा है ताकि आप सोच सको, इसी में मत मिलाना, लेकिन हाँ इस पर आप लिख सकते हो। देखो नारी सशक्तिकरण पर नहीं बंधा है, चाहे नारी शिक्षा पर आए, ठीक है, तो आपको वही लिखना है। तो आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो भाई, नारियों के शिक्षित ना होने का कारण भी बता सकते हो,
हो कि भाई नारियां शिक्षित क्यों नहीं हो रही हैं, भाई सामाजिक कारण है, गरीबी है, है ना, पारिवारिक कारण भी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई बच्चे बस पढ़े, है ना, जो भी पुरुष होते हैं स्त्रियां बच्चियां ना पढ़ें। बहुत सारे लोगों के मन में ये अभी भी धारणा बहुत सारे लोगों के होती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो आप लिख सकते हो। उसके बाद दोस्तों महिला सशक्तिकरण के जो उद्देश्य है वो क्या क्या है, महिला को देश में बराबर सम्मान दिलाना, आजादी एवं अपना जीवन अपनी मर्जी से जीने की आजादी देना, है ना। उसके बाद समान वेतन का अधिकार, समान वेतन का अधिकार जानते हो क्या मतलब, जहां वो काम करेंगी। बहुत सारे लोग आप देखोगे इस समय क्या कहते हैं कि भाई स्त्री है इसको कम दिया जाए, पुरुषों को 250-300 मजदूरी भी देंगे तो स्त्रियों को 200। तो ये यहां पर है, यौन, तो यहां पर उस पर अधिकार है उनको कि भाई बराबर मजदूरी मांग सकती है। यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज करने योग्य संपत्ति पर पुरुषों के समान हक है ना, जो भी पूर्वजों की संपत्ति है उनके एंसेस्टर बोलते हैं ना। महिलाओं को शिक्षित करना, देश में समान हक एवं आजादी के लिए जागरूक करना। तो यहां पर दोस्तों महिलाओं का जो अधिकार है वो बिल्कुल समान है देश में। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो, आप सोचना प्रारंभ करो निबंध में, मैं कभी आपको रटना नहीं सिखाता, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से निबंध लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, ठीक है। तो अगर आप लोग इस तरीके से निबंध लिख दोगे तो बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे एक भी नंबर नहीं कटेंगे, ये फुल गारंटी है। 9 नंबर एग्जामिनर बिल्कुल फ्री में आपको देके जाएगा, क्योंकि भाई निबंध क्या है, रटने की चीज नहीं, और इसको बहुत ही आसानी से अपने समाज में जो भी घटनाएं हो रही हैं उनका निचोड़ निकाल कर लिख दोगे, सोच सोच कर भी ना, तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। बच्चे क्या सोचते हैं, जो भी क्वेश्चन बैंक में जो भी इधर उधर उसको रट लूंगा तभी पूरे नंबर मिलेंगे, ऐसी बात नहीं होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना, और अगली वीडियो में बताने वाला हूं नारी सशक्तिकरण पर बिल्कुल स्पेसिफिक निबंध, ठीक है, ये नारी शिक्षा पर था, तो आपकी ताकि सोच डेवलप हो सके, है ना। चलो मिलता हूं मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, लिख लेना इसको।